जी नहीं होते, कबीर साहब नहीं होते, या चौका मिला ऐसे संत नहीं होते तो इनके पास है क्या? सिवाय ब्राह्मणी व्यवस्था के कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन संतों ने पूरे देश को एकता का नारा दिया, सबको जन कल्याण की बातें कही, आध्यात्मिक बात कही, सबके लिए भले की बात की। तो इसलिए यहाँ के राजे रजवाड़ों को भी माननी पड़ी। जब ये 1509 वर्ष पहले गुरुजी जब यहाँ आए थे, चमारवाड़ा झोड़ जिसका नाम दे रहे हैं ये, वो चमारवाड़ा झोड़ किसने दिया? वो इब्राहिम लोधी कौन से साहब थे? सिकंदर लोधी ने, क्योंकि सिकंदर लोधी इस चीजों में बहुत माहिर आदमी थे कि वो संतों की आपस में जो है वो वार्तालाप कराते थे और सत्संग कराते थे। तो इसी रूप में जब शिरोमणि संत शिरोमणि रविदास जी यहाँ से चित्तौड़गढ़ के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनको जो है यहाँ विश्राम किया उन्होंने, और जिस जगह विश्राम किया उस जगह को सिकंदर लोधी ने बाकायदा गुरु रविदास मंदिर के विश्राम धाम के नाम से अलाट किया और वो दिए है। और भाई ये तुम्हारी DDA, तुम्हारा ये फॉरेस्ट ऑफिसर, तुम्हारी ये सरकारें कहाँ थी 600 वर्ष पहले? तो अब तुम जो है, एक तरफ तो तुम ये कहते हो कि हमारा मन राम जी वहीं पैदा हुए थे मस्जिद के नीचे, तो हम तो वहीं मानेंगे। तुम्हारी इतनी आस्था जिसका पता नहीं, सब लोग खंडित भी करते जाते हैं, हैं? और फिर तुम उस चीज के लिए करते हो। तो भाई क्या हमारी आस्था नहीं है? या हमारी आस्था कोई धूल है? तुम्हारी आस्था ही बहुत बड़ी आस्था है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट को देखिए, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट वो राम मंदिर का न्यायालय, राम मंदिर का फैसला करने के लिए समन्वय कराते हैं और तीन लोगों की कमेटियां बनाते हैं और मंदिर बनवाने के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ वही सुप्रीम कोर्ट मंदिर तोड़वाने के लिए आदेश देता है। ये बात समझ में आ रही है क्या आपकी? में ये समझने लायक है? ये सुप्रीम कोर्ट है या कहीं कहीं का वो हथियार खाना बना रखा है? क्या कर दिया है सुप्रीम कोर्ट का? ये कोई मतलब है? बाबा साहब अंबेडकर ने न्याय को सर्वोपरि रखा। अभी मेरे हमारे हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, ओके वो गुरुजी की बात कर रहे थे, उन्होंने तो स्वतंत्रता की बात की कि अगर आदमी जो है ना वो पराधीन सपने सुखना ही, पराधीन सुखने सपने सुखना ही, तो गुरुजी पराधीन की कह रहे हैं, पराधीन होना सबसे बड़ी नालत है। तो वही बात परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता स्वतंत्रता भ्रातृत्व भाईचारे की बात, तो समता को सबसे पहले महत्व दिया गया है, स्वतंत्रता को। स्वतंत्रता अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं है। आज आप स्वतंत्र हैं तभी बोल रहे हैं, इतना जो काम जाम चल रहा है इसलिए चल रहा है कि आप स्वतंत्र हैं। अगर यही एक धारा लगा दी जाए जैसे वहाँ लगा दी लगभग 144, तो अभी आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी बात है ना। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये सरकार जल्द से जल्द जागे और बाइज्जत हमारे गुरुओं का सम्मान करते हुए उनको वो जो जगह सौंपे, बाकायदा DDA है तो DDA या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो बाकायदा इनको रिटर्न में बाकायदा नक्शा बना के रिटर्न में वो कागज सौंपे। और हमारे भी संत चाहेंगे इस तरीके से। दूसरी बात, जो 96 बच्चे हमारे अरेस्ट किए हैं जो ऐसे ही मर गया जैसे उठा लिया उनको, तो उसके लिए भी संत जो है वो काम कर रहे हैं और उन्होंने पैर भी शुरू कर दी है। तो हम चाहेंगे कि उसके लिए भी दिल्ली पुलिस और न्यायालय थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उनको रिहा करने की कोशिश करें, और कोशिश करनी नहीं चाहिए, छोड़ना ही चाहिए, तभी जो है शांति रहेगी। अगर एक भी बच्चा हमारा जेल में रहेगा तो शांति नहीं होगी। आपको बताएं, एक चंद्रशेखर जेल में था तो पूरी दिल्ली, यही दिल्ली की सड़क थी, यही चारों तरफ सड़क भरी हुई थी, आपने देखा 21 तारीख से 21 मई जाने को है, पूरा भरा हुआ था। इसी तरीके से ये नींद बगैर नींद और नींद के सोएंगे नहीं है,
जब तक इनका एक एक बच्चा बाहर नहीं आ जाएगा, तो मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि आप बिल्कुल जरूर हम इन बात को भी ध्यान रखेंगे। और आपसे सर्वोच्च प्रार्थना है कि आप जो आप कारवा लेके चल रहे हैं समन्वयवादी है। एक बात कहकर मैं गुरु जी बात खत्म करूँगा। देखिए, ब्राह्मणों ने कहा कि शालिग्राम हमारे पास है, तो गुरु जी ने कहा भैया शालिग्राम तो हमारे पास भी है। तो वो शालिग्राम लेके आए, शालिग्राम को लाए कि जो जिसका शालिग्राम होगा वो डूबेगा नहीं। तो जैसे ही ब्राह्मणों ने वो डाले शालिग्राम, तो डूब गए। अब डूब गए तो गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप शालिग्राम दिखाओ। तो गुरु जी ने शालिग्राम दिखाए कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बास अंग अंग समानी, तुम चंदन हम पानी। यानी गुरु जी ने ईश्वर को इतना महीन कर दिया कि ना तो उसको डुबाया जा सके ना उसको उछाला जा सके। और उन्हीं की दम पर ये हिंदू धर्म टिका हुआ है। हिंदू धर्म के पास अपने कोई तर्क नहीं है, हिंदू धर्म किसी शास्त्र में नहीं है। अगर कहीं शुरुआत है तो कबीर साहब से और संत गुरु रविदास जी से है। तो ये लोग हैं जो तुम्हारे धर्म की भी रक्षा करके अपनी कुर्बानियां दे गए चले गए और आज भी जिंदा है। और अगर तुमको इसको ही मिटाना चाहते हैं तो इनको क्या लगता है, पहले ही जैसे सिकंदर लोधी के समय में अगर धर्म परिवर्तन हो रहा था तो अभी भी धर्म परिवर्तन होगा, कौन रोकेगा। बाबा साहब अम्बेडकर आदेश दे रहे हैं, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आप शांतिपूर्वक अपने विचार बदल दो, बात खत्म, छोड़ दो सारी चीज़, कोई जरूरत नहीं है इनको किसी से। अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो ठीक है, हमने तुम्हारा रास्ता छोड़ा, तो हमारा रास्ता नहीं देते तो हम अपना रास्ता तय करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि भीषम जी को बोलना है। लोग बोली भीषम जी, अच्छा मैं नारे लगा दूँ, दोस्त जरा जोर से मेरे साथ देना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।